जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के आदेश पर जिला पूर्ति विभाग ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को चिन्हित कर उन्हें राशन मुहैया कराया है। जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा के नेतृत्व में पूर्ति विभाग के कर्मचारियों ने बागनाथ वार्ड में मजदूरों को राशन प्रदान किया। यहां बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के कारण मजदूर गरीब तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। मजदूर वर्ग के लोगों की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर पूर्ति विभाग जनपद भर में राशन के पैकेट मुहैया करा रहा है, जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा सहित दाल व तेल आदि सम्मिलित किया गया है। इधर पूर्ति विभाग ने कहा है कि जिले में आगामी 3 महीने के लिए पर्याप्त राशन है। देखिए, जैसे आप सभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि में जो भारत सरकार के और राज्य सरकार के और जिला प्रशासन के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी असंगठित क्षेत्र का जो व्यक्ति है जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी ठेकेदार के यहाँ काम नहीं कर रहा था और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे को चयनित करते हुए उन्हें राशन प्रोवाइड कराने के दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में जो संबंधित उप जिलाधिकारियों के माध्यम से जो लिस्ट हमें दी गई है, इसके तहत हम सभी तहसीलों में और बागेश्वर में हम जो है फूड पैकेट जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 5 किलो हर एक फूड पैकेट में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 लीटर तेल, ऐसे चाय पत्ती, चीनी आदि दिया जा रहा है, वो हम हर एक श्रमिक को बांट रहे हैं। अब तक हमारे द्वारा लगभग 700 फूड पैकेट बढ़ चुके हैं, जिसमें से गरुड़ में 300 बढ़ चुके हैं, बागेश्वर में 200, इसी प्रकार कपकोट, कांडा में भी हमारे द्वारा पैकेट बढ़ गए हैं। तो इसमें आपके चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहूँगा कि ऐसी अभी हमारे यहाँ एसेंशियल आइटम की या सर्विस की ऐसी कोई कमी नहीं है और ना ही ऐसी कोई अफवाह उड़ाने की जरूरत है और ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। अच्छा, गांव में जैसे जो सस्ते गल्ले की दुकानें हैं वहाँ पर क्या पर्याप्त राशन आपने पहुँचाई थी, किस तरह का स्टॉक वहाँ पर उपलब्ध है? देखिए, सस्ते गल्ले की दुकानों का अभी तक हमारे पास मार्च का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था और अप्रैल का डिस्ट्रीब्यूशन कई दुकानों से चालू कर दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार के भी और राज्य सरकार के भी ये निर्देश आए हैं कि जल्द से जल्द 3 महीने का राशन वितरित कर दिया जाए। एक आपके चैनल से मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ, अभी हमारे पास फ्री राशन वितरण करने का कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अप्रैल का राशन अभी हम वितरित कर रहे हैं और मई का राशन भी हमारा लिफ्टिंग चालू हो जाएगा, तो वो भी हम वितरित करना शुरू कर देंगे जल्द ही। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।